लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों साले, लीडर बनेगा, भाषण देगा, अब दे भाषण। भट्टी क्यों आवाज फट गई ना? अरे मेरे बाप की नाजायज औलाद, सुधर जा। तुमने जो करना था कर दिया, अब बाकी का काम एंटी ड्रग स्क्वाड के इस ऑफिसर को करने दो। He's Arjun, please arrest him. What's up, प्रोफेसर? क्या किया है मैंने? तुमने जो किया है, फॉर्सनिक लैब की ये रिपोर्ट बता रही है, और कॉलेज के कैंपस में ड्रग का कारोबार करने की सजा क्या होती है ये तुम्हें अदालत बताएगी। ये लीजिए, ले प्रोफेसर। साले, तुझे अपनी नौकरी और जिंदगी प्यारी नहीं है? एम्बेसडर, याद रखना, अर्जुन से टकराने का अंजाम है महाभारत, याद रख। छोड़। वेल डन विजय, एक दिन बहुत ऊंचाई तक जाओगे तुम। ये क्या है, ये तो पहली सीढ़ी है आप तक पहुंचने के लिए। मेरा मतलब आपकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। पैर छोलो। नहीं, भूलिया ठीक कर लो। सॉरी, टकराएंगे नहीं? नहीं, आज के बाद कभी नहीं, क्योंकि हमें जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है अकेले। हाँ, जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं तो फिर अगर आप हमें अपने काबिल समझे तो आप हुँ? तो फिर हम आपसे सिर्फ एक बार नहीं, हजार बार आप ही से टकराएंगे। कैसे? हाय विजय। पहचान लिया? पहचान लिया, तेरे दिल के हर धड़कन को पहचानता हूँ मैं। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। घर में बियर पी रहा है? कल तक अंकल से झगड़ा करता था, अब उनकी मौजूदगी में घर में बियर भी पीने लगा। वाह, वेरी गुड। तू जानता है विजय, मैं उसी वक्त घर में रहता हूँ जब मेरा पाप घर में नहीं रहता। खैर वो सब छोड़, कॉलेज का क्या रिपोर्ट है? हाँ, नए जीएस के लिए कॉलेज में एक मीटिंग होने वाली है, तू देख ले सनी, नया जीएस विजय ही बनेगा। That's like a good boy. विजय? ये कौन विजय जिसने अर्जुन को अरेस्ट करवाया? आपके बेटे का दोस्त। दोस्त? वो उसके कॉलेज में क्या कर रहा है? वो दोनों उसी कॉलेज में पढ़ते हैं सर। उसी कॉलेज में?
अगर आप बोले तो साले चमची घोड़ा दो। नहीं, तुम लोग उस कॉलेज की तरफ से गुजरोगे भी नहीं। और सुनो, कुछ दिनों के लिए उस कॉलेज में ड्रग्स का कारोबार बंद कर दो। मैं देखना चाहता हूं वो दोनों मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तुम सब जानते हो कि अर्जुन को इस कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया है। अब तुम में से ऐसा कौन है जो तुम सबको सही रास्ता दिखा सकता है, जिसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत हो? सोचो। यस प्रिया, डू यू सजेस्ट एनी कैंडिडेट? नो सर, ओनली विजय। व्हाट? विजय, प्लीज। गुरुजी, मैं तो अंदर से पैदल आया था, मुझे आप क्या बना रहे हैं? जीएस। नहीं, जीएस नहीं बन सकता, मैं तो नया हूँ, मुझे जीएस बनकर क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे तो मालूम ही नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ मालूम है। क्या? यही कि तुम्हें सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दोगे और इस कॉलेज का सर ऊंचा उठाओगे, और फिर तुम्हें मुझ तक पहुंचना भी तो है। धन्य हो गुरुजी, आप तक पहुंचने के लिए मुझे जिन सीढ़ियों की तलाश थी आप मेरे लिए खुद बना रहे हैं। मैं आपके चरण शुक्र, इस जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लेता हूं। मुबारक हो विजय, तो जीएस बन गया। थैंक यू। अरे सनी, तुझे पता है सारे स्टूडेंट्स मेरी मुट्ठी में, अब मैं जैसे कहूंगा वो लोग वैसे ही करेंगे। अब देख उस प्रोफेसर नाग को, आड़े हाथ लेकर मैं कैसे तेरा बदला लूंगा। तेरे सामने सर झुकाकर माफी मांगने पर उसे मजबूर कर दूंगा। अरे यार, मैं जानता हूं वो काम तो तू जरूर करेगा, लेकिन एक बात बता, जिसके वजह से उस नाग से दुश्मनी हुई वो कैसी है? सुन, आई मीन प्रिया का, कैसी है वो? फर्स्ट क्लास। अबे साले, सुना कॉलेज में बड़ा हंगामा किया तूने कल? बड़े गाने वाने गाए प्रिया के साथ? अरे सर, नहीं सुन, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो उससे? अरे कैसी बातें कर रहा है यार, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, वो भी बचपन का, भला मैं तेरे साथ कभी ऐसा कर सकता हूँ? कभी नहीं। अरे यार, हंसी मजाक तो कॉलेज में चलता रहता है। अरे भाई, जब तक मेरी और प्रिया की जमेगी नहीं ना, तेरा चक्कर कैसे चलाऊंगा? समझ में आया? ये बात तो ठीक है, और वैसे भी मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है यार। मेरा एक काम कर दे, मुझे प्रिया से मिला दे, मैं उसे देखने मिलने और उससे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो गया हूँ। बस इतनी सी बात? समझ ले, तेरा काम हो गया। विजय, तुम मुझे बीच में कहाँ ले आए हो? तुम तो मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे ना? प्रिया, आज मैं तुम्हें अपने दिल से मिलाना चाहता हूँ। दिल से? मतलब तुम्हारे पास भी दिल है? मैं तो समझती थी तुम्हारे पास सिर्फ दिमाग है। प्रिया, मैं चाहता हूँ कि अपना दिल हमेशा के लिए तुम्हें सौंप दूँ। तो फिर कहाँ है आपका दिल, लाइए। कहाँ रखोगी उसे? अपने सीने में। ये बात है। ओके। इसे तो मैं जानती हूँ। प्रिया, ये सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, मेरी जान, मेरा जिगर, मेरे लिए सब कुछ है, और एक गलत फहमी का शिकार भी है। हाय। हेलो। आपके दोस्त ने आपको मुझे तोहफे में दे दिया है, जैसे आप दोनों दोस्त, आज से मैं भी आपकी दोस्त। वैसे आप घुड़सवारी बहुत अच्छी कर लेते हैं। मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है, और हाँ, आज तक मुझे कोई हरा भी नहीं सका। क्यों बेटे, भूल गए? 5 बार हरा चुका हूँ, अभी भी चैलेंज करता हूँ, हो जाए। लेकिन शर्त क्या है? जो भी यहाँ से उस लाल झंडे तक जाकर वापस आकर पहले प्रिया को छुएगा, प्रिया उसके साथ डिनर पे जाएगी। ओके ओके। डन डन डन, तू वो घोड़ा ले ले, चल कम ऑन कम ऑन। Get ready! Ready? 1, 2, 3, go! Come on, Vijay! Come on, Sunday! Come on, Sunday! Come on! Yeah!
अबे विजय यार धरने रुक, कम ऑन। यार विजय क्या कर रहा है यार, धीरे चला। विजय, कम ऑन। अबे विजय, अरे चक्कर मैं चला रहा हूँ या तू? अरे यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये तो काबू में आता ही नहीं। अरे कैसे आएगा, तुझे तो घोड़ी पे बैठने की आदत है। अरे यार ये घोड़ा है, घोड़ा घोड़ी होती तो अभी तक काबू में कर लेता था। अबे विजय रोक दे यार, खींच दे घोड़ा। विजय रोक यार प्लीज, विजय समझने की कोशिश कर यार, कम ऑन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू हार्ट बीट्स। थैंक यू। प्लीज इस तरफ आइए मैडम, आइए सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। प्लीज कहाँ बैठना पसंद करेंगी मैडम आप? मगर ये तो सब रिजर्व्ड हैं। आप ही के लिए रिजर्व किया गया मैडम। मेरे लिए? मगर किसने? इन्होंने। प्लीज जहां फूल हो वहां मुझे कांटे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा मतलब है कांटे, छुरी, चम्मच, उसे शोर बहुत होता है ना, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पसंद ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं, सिर्फ यही क्योंकि तुम मेरी हो। मेरा मतलब है तुम मेरी खास मेहमान हो ना, और मेहमान अपने होते हैं, और अपनों के लिए सनी कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। इन्हें कैसे मालूम ये मेरी फेवरेट डिश है? ये ऑर्डर मैंने दी, दरअसल जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी पसंद है। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा वो तुम नहीं हो, और जो नहीं सोचा वही तुम हो। अक्सर ऐसा ही होता है, आदमी जो नहीं करना चाहता वो करता चला जाता है, और जो करना चाहता नहीं कर पाता। सनी तुम फिर से कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सिर्फ एक माफी की तो बात है। तुम कहती हो तो मैं कॉलेज जरूर रीज्वाइन करूंगा, मगर माफी सनी कभी नहीं मांगेगा।